भक्ति क्या है? अगर भक्ति शब्द का अर्थ समझें तो भक्ति शब्द का अर्थ होता है भजन करना तथा सेवा करना। या यूं कहें, भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि उसकी शरण में हम सदा शांति, सुरक्षित व सदाचारी रहेंगे। अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव ही भक्ति है। अनेक आचार्यों ने भक्ति की अनेक परिभाषाएं दी हैं। कबीर स्वास में राम रटने को भक्ति कहते हैं, तो तुलसीदास हनुमान के प्रति समर्पण भाव को भक्ति कहते हैं। प्रतिपल अपने प्रभु के ध्यान में खोए रहना ही भक्ति है। भागवत के अनुसार पूजनियों के प्रति प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं, तो कुछ लोग माता पिता गुरु के प्रति समर्पण भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम नहीं, व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम है। भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में गिर जाना है। भक्ति यानी सर्व को आलिंगन करने की चेष्टा करना है। भक्ति कोई शास्त्र नहीं है, या तो एक यात्रा है। भक्ति कोई सिद्धांत नहीं है, जीवन का रस है। भक्ति को समझ कर भी कोई भक्ति को नहीं समझ पाया। भक्ति में डूब कर ही कोई भक्ति के राज को समझ पाता है। भक्ति शास्त्र शास्त्रों में नहीं लिखा है, भक्तों के हृदय में लिखा है। भक्ति शास्त्र शब्द नहीं, सिद्धांत नहीं, एक जीवन का सत्य है। जहां तुम भक्त को पालोगे वहीं तुम उसे पढ़ लोगे। इसे कहीं अन्य से पढ़ने का कोई उपाय, कोई साधन नहीं है। भक्ति सिर्फ उनके लिए है जिनकी आंखों में आंसू हैं। परम प्रेम रूपा है भक्ति, स्वयं को मिटाने की कला है भक्ति। भक्ति बड़ी संवेदनशील है, कलाओं की कला है भक्ति, प्रसाद स्वरूपा है भक्ति, योग और भोग का संगीत है भक्ति, अनंत के आंगन में नृत्य है भक्ति, हृदय का आंदोलन है भक्ति, परम मुक्ति है भक्ति, शून्य की झील में प्रेम का कमल है भक्ति, अभी और यही है भक्ति, शून्य का संगीत है, असहाय हृदय की आह और प्रार्थना है भक्ति, हृदय सरोवर का कमल है भक्ति, उदासी नहीं उत्सव है भक्ति, कांता जैसी प्रतिबद्धता है भक्ति, एकांत के मंदिर में रहना है भक्ति, अहोभाव आनंद उत्सव है भक्ति। यानी भक्ति की कोई एक परिभाषा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल परमात्मा के पूजन ध्यान स्मरण में लगे रहना ही भक्ति होने का लक्षण नहीं है। भक्त वह है जो द्वेष रहित हो, दयालु हो, सुख दुख में अविचलित रहे, बाहर भीतर से शुद्ध परित्यागी हो, चिंता व शोक से मुक्त हो, कामना रहित हो, शत्रु मित्र मान अपमान तथा स्तुति निंदा और सफलता असफलता में संभाव रहने वाला ही भक्त है। जो मननशील हो और हर परिस्थिति में खुश रहने का स्वभाव बनाए हुए है वही भक्त है। उससे न किसी को कोई कष्ट हो न कोई असुविधा हो, वही भक्त है। लेकिन आज की समाज में हम दिखावे की आड़ में भक्ति कर रहे हैं। हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। अरे बताइए, जिसने हमें सब कुछ दिया हम उस पर फूल चढ़ाकर क्या उपकार कर रहे हैं? जिसकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि भी बेचैन रहते हैं और हम रात दिन उससे मांगते हुए नहीं थकते, उस जगत पिता की हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या सेवा करेंगे? जिसका अंश इस विश्व के अणु अणु में व्यापत है, उस परमेश्वर को दीपक दिखाकर हम कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं? जिसकी कृपा या व्यवस्था से सभी प्राणियों को आहार मिलता है, उसे भोग लगाना क्या हमारी अल्प ज्ञानता नहीं है? फिर कैसे कह सकते हैं कि हम भक्त हैं और हम भक्ति कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम भक्त हैं, या हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति है और हम भक्त हैं? भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि भक्ति तो अंतर आत्मा को जानना है। भक्ति का सही अर्थ है जब सारे संसार को समझकर अंत में जहां पहुंचते हैं, वहां से जब हम संसार को देखते हैं तो हमें सिर्फ यही याद आता है कि हमने कुछ नहीं जाना, या संसार मानव जीवन का सार नहीं था। जब हम अपने हृदय में बार बार इस बात का मनन करते हैं तो हमें उस परम पिता की याद आती है जिसने यह जीवन प्रदान किया है। हमें बहुत पश्चाताप होता है और हम उस परम पिता को आभार प्रकट करते हैं कि मैं कितना नादान था और आप मेरी इस नादानी को माफ करते रहे। इस बात का जब हमें आभास होता है तो हमें जीवन के हर सुख दुख के वो सभी पल याद आते हैं जिनमें कृपा थी परम पिता परमेश्वर की। इन सभी बातों का मनन चिंतन करते हुए जब हम उसके इस उपकार को अपने हृदय में बार बार याद करते हैं, तब हमें आभास होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही अहंकार अकड़ में जीवन बर्बाद कर रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं।
इन्हीं बातों को जब हम दोहराते रहते हैं तो हमारा हृदय कोमल हो जाता है। इसी कोमल हृदय से हम परम पिता भगवान को बार बार याद करते हैं, यही भक्ति कहलाती है और अंततः यही तो भक्ति है। वैसे भक्ति की यात्रा को दो खंडों में बांटा जा सकता है, एक तो भक्त के हृदय में विरह की अवस्था और दूसरी भक्त के हृदय में योग की अवस्था, मिलन की, हर्ष उन्माद की अवस्था। एक तो जब भक्त तलाश रहा है, भगवान की कोई झलक नहीं मिलती, अंधेरे में टटोल रहा है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, कई बार भरोसे का धागा हाथ से छूट जाता है, कई बार अत्यधिक अंधेरा मालूम होता है, लगता है कि सुबह कभी होगी ही नहीं, लेकिन ये कुछ क्षण के संदेह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, सुबह की खोज जारी रहती है। इन सारी स्थितियों के बावजूद भक्त तलाशता रहता है, यह आधी यात्रा है। फिर आधी यात्रा आनंद उत्सव की है, जब मिलन हो गया, मिलन की घड़ी घट गई। पहले क्षणों में भक्त प्रमुख है, भगवान गौण है। जिसे जाना नहीं वह गौण होगा ही, जिसे पहचाना नहीं वह प्रमुख कैसे हो सकता है। भक्त अपने आप को मिटाना चाहता है, मगर किसमें मिटे उसकी तलाश करता है। जैसे गंगा तलाश करती है सागर की, मिटना चाहती है, खोना चाहती है। इस जगत में वे ही धन्य भागी हैं जो मिट जाते हैं, जो उस शरण को उपलब्ध हो जाते हैं जहां मिटाना सुगम है। वे ही धन्य भागी हैं और वे ही हैं जो मिट गए हैं। आपको विरोधाभास लगेगा, लेकिन जीवन का अंतरंग विरोधाभासों से भरा है। यही तो अर्थ है कहने का कि अस्तित्व रहस्यपूर्ण है। यहाँ जो है वे नहीं है और जो मिट गए हैं वे ही हैं। यहाँ जिसने अपने को बचाया उसने गंवाया, और जिसने अपने को गंवाया उसने ही तो सब कुछ पाया है। यहाँ जीत हार में बदल जाती है, यहाँ हार जीत हो जाती है। भक्त मिटते चला जाता है, मगर अभी उस जगह का भी पता नहीं है, उस द्वार का भी पता नहीं है जिस द्वार पर मिटना हो जाएगा। भक्त अपनी मौत खोज रहा है, इसलिए भक्त होने के लिए साहस चाहिए। साधारणता लोग सोचते हैं कायर लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनकी यह सोच और उनकी यह धारणा पूर्णतः गलत है। कायर कभी धार्मिक नहीं हो पाते, कायर तो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक होने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। भक्ति तो आत्मघात की कला है। तुम मिटोगे तो ही परमात्मा हो सकोगे, तुम जरा भी बचे तो उतनी ही बाधा शेष रह जाएगी, तुम्हारा बार बार जन्म होगा, तुम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, तुम्हारे खुद के होने में बाधा रहेगी। तो भक्त रोता है, पुकारता है, चीखता है, चिल्लाता है, छाती पीटता है, बार बार गिर पड़ता है, सारा हृदय विषाद से भरा होता है। इस विषाद में कभी कभी दूर के तारे भी उगाते हैं, और इस विषाद में कभी कभी फूल की सुगंध भी आती है। इस विषाद में कभी कभी उस परम की ध्वनि भी सुनाई जाती है, उसका तैरता संगीत भी कभी कभी आ जाता है। पर ऐसी घड़ियां बहुत कम आती हैं, और जब होती भी हैं तो प्यास को बुझाती नहीं और प्यास को जगाती हैं, क्योंकि जरा जरा सा जो स्वाद लगता है वह और तड़पाता है। जैसे एक आध बूंद प्यासे के कंठ में पड़ जाए तो प्यास बढ़ जाती है, घटती नहीं, भरोसा बढ़ता है, प्यास भी बढ़ती है। इस प्रथम अवस्था को जो पार कर सके वही दूसरी अवस्था को पाता है। मिलन की विरह की अग्नि में जो जले वही मिलन के योग्य हो पाता है। विरह की यह अवस्था परीक्षा की अवस्था है। अगर दिल भरकर रोए ना, पुकारा ना, तो कभी पा ना सकोगे। अगर आपने पहली अवस्था में कंजूसी की तो अब दूसरी अवस्था से दूर रह जाओगे। यह मार्ग कृपण के लिए नहीं है, कायर के लिए नहीं है। साहस चाहिए और अनंत भाव चाहिए। इस अवस्था में भगवान तो दूर होता है, दूर की ध्वनि की भांति, दूर से आती सुगंध की भांति। भगवान तो 1% होता है, भक्त 99% होता है। दूसरी घड़ी जब घटती है तो भक्त 1% रह जाता है और भगवान 99% हो जाता है। ये दो अवस्थाएं तो शब्दों में कही जा सकती हैं। तीसरी अवस्था है जिसको कहा नहीं जा सकता, जब भक्त बसता ही नहीं है और भगवान ही बसता है, वह परम फल है। तो आप भक्ति को तभी पा सकते हैं जब आप भक्त होकर खुद को खत्म कर लेते हैं। खत्म करने का प्राय आपके अंदर चल रहे वो विचार, आपके अंदर वह अहंकार जो आपको यह प्रदर्शित करता है कि आप भक्त हैं, आपके अंतः मन में वह अहंकार जो आपको अंदर से आग देता है, अहंकार पैदा करता है कि आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं। जिस दिन आपके अंदर भक्त होने का अहंकार खत्म हो जाता है, आप भक्त बन जाते हैं और आपकी भक्ति सफल हो जाती है, आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो आशा करता हूं आप भक्ति को समझ चुके होंगे।
अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं Q&A की वीडियो में दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी और नई विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।